नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे फसल नुकसान को लेकर। बिहार में किसानों को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार कई तरह की योजनाओं पर काम कर रही है, जिससे कि किसानों को खेती के दौरान और अनाज उपज के बाद भी ज़्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। सरकार यह मानती है कि इस योजना के जरिए किसानों तक लाभ पहुँचाया जा सकता है, जिससे कि उन्हें आर्थिक तंगी की स्थिति तक न जाना पड़े। सरकार किसानों के स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक योजना बनाई है, जिसका नाम है बिहार राज्य फसल सहायता योजना। इस योजना के तहत किसानों की प्राकृतिक रूप से आई आपदा के कारण अगर फसल में वास्तविक उत्पादन पर 20% तक का नुकसान होता है, तो सरकार की तरफ से प्रति हेक्टेयर की दर से 7500 रुपये, और अगर 20% से अधिक की दर से अगर उनको नुकसान होता है तो प्रति हेक्टेयर 10000 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि इस योजना की राशि का पूरा लाभ सीधे किसानों के खाते में भेज दिया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार का उत्तरी हिस्सा जहां बाढ़ की मार झेलता है, तो वहीं दक्षिणी हिस्से में सुखाड़ की स्थिति होती है। ऐसे में दोनों ही क्षेत्रों में किसानों को भारी मार का झेलना पड़ता है। बता दें कि इस योजना का लाभ रैयत एवं गैर रैयत किसानों को मिलने वाला है, यानी कि अगर आप कोई किसान दूसरे की ज़मीन पर खेती कर रहा है तो उसे भी उस ज़मीन पर उस राशि का लाभ मिलेगा। बता दें कि बिहार सरकार अपने बजट में इस बात का भी ख्याल रखती है कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में आने वाली आपदा से किसानों को ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। किसानों की सहायता पहुंचाने वाली इस योजना की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2016 को किया था। इस योजना के बारे में यह भी बताया गया है कि यह योजना किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करने में मदद करेगी। साथ ही साथ यह भी बताया गया कि जो खेती किसानी के लिए लोन लेते हैं या फिर जिन किसानों की फसल खराब मौसम के कारण नष्ट हो जाता है, उन्हें यह लाभ पहुंचाती है। साथ ही साथ यह भी बताया गया कि फसल नुकसान होने पर बीमा दावा का निपटारा भी की प्रक्रिया भी जो है वह तेज और आसान बनाया गया है, ताकि किसान फसल बीमा योजना के संबंध में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। यह योजना भारत के हर राज्य में संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर लागू किया गया है। इस योजना की देखरेख कृषि एवं कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। इस योजना का लाभ पाने के लिए जरूरी दस्तावेज कौन कौन से हैं, उसको जान लेते हैं। योजना का लाभ पाने के लिए बिहार का निवासी होना जरूरी है। इस योजना के लिए वही किसान आवेदन करें जिनका फसल आपदा के दौरान नष्ट हुआ है। आपका आधार कार्ड होना बहुत जरूरी, साथ ही साथ आपके पहचान पत्र होना जरूरी है। आपका बैंक में पासबुक होना चाहिए, साथ ही साथ खेती की ज़मीन के कागजात आपके पास होने चाहिए। आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपके पास पासपोर्ट साइज की फ़ोटो होना चाहिए। ये वो अर्हता है जो कि आपको जब आप ऑनलाइन करने जाएंगे तब जो है आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे करें ऑनलाइन? ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको विभाग की आधिकारिक वेबसाइट pacsonline.bih.nic.in पर जाएं। यहां जाने के बाद आपको जो है एक तरह से कह लें कि फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया जो है आपको पता चलेगी। इसके साथ साथ अगर आप अपने से फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो आप जो है वसुधा केंद्र में जाकर आप इस फॉर्म को ऑनलाइन करवाएँ। तो ये थे फसल नुकसान होने पर किसानों को कैसे मिलेगी राहत और कितने मिलेगी राहत। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।